भागलपुर के नवगछिया में मुहर्रम जुलूस के दौरान दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि मुहर्रम त्यौहार को लेकर मुस्लिम समुदाय की तरफ से ताजिया जुलूस निकाला गया था। वहीं इस दौरान अपने घर से शंकर चौधरी की पुत्री राधा कुमारी नवगछिया की तरफ जाने के क्रम में ताजिया जुलूस के पास जोरदार धमाके की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद घटना से आक्रोशित दूसरे समुदाय के लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए सड़क जाम कर आगजनी और प्रदर्शन शुरू कर दिया, जबकि धमाके में घायल युवती को फौरन नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जिला नवगछिया के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने के प्रयास में जुट गई है। हालांकि जुलूस के दौरान पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस की तैनाती की गई थी, लेकिन इसके बावजूद हुए धमाके और इसकी चपेट में आकर युवती के घायल होने की स्थिति बेकाबू हो गई और देखते ही देखते दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कई थाने की पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोगों का प्रदर्शन और हंगामा थमता नहीं देखकर पुलिस ने एक युवक को दबोच लिया, जबकि इसके विरोध में सैकड़ों लोगों ने पुलिस का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इधर इस पूरे मामले में एक समुदाय के लोगों ने पुलिस प्रशासन से धमाके की जांच कराने और विस्फोटक फेंकने वाले की पहचान करने की मांग करते हुए इस साजिश में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वहीं बमबाजी की घटना को लेकर लोगों के बीच कई तरह की चर्चाओं का दौर जारी है और मामले की गंभीरता और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से घटनास्थल पर विशेष पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, जिससे शांति व्यवस्था कायम रह सके। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा बमबारी की घटना मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर नवगछिया पुलिस प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहिया पुल के नीचे फूल बेचने का व्यवसाय करने वाले 25 वर्षीय युवक अजय कुमार ने ग्रिल में फंदा बांधकर फांसी लगा ली, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अजय की शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी और उसका एक पुत्र भी है। घटना को लेकर मृतक युवक की मां ने बताया कि पैसे को लेकर हुई कुछ कहासुनी के बाद उनकी पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई है, जिसके बाद गुस्से में उसका पुत्र अजय सीढ़ी के पास ग्रिल में फंदे से झूल गया, जिससे उसकी मौत हो गई है। साथ ही उन्होंने अजय की खुदकुशी के किसी और कारण होने की जानकारी से इनकार कर दिया है। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से अजय के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि इस घटना से परिजन काफी सदमे में है। कैसे हमको पता नहीं था, भोर में पता, क्या पता चला? ध्यान में हुआ था कि भाई मर गया हमारे, और क्या हुआ? तो एक सूचना कौन दिया था? मेरी माँ थी, बाई थी, यार कौन क्या सूचना दिया था कि भैया खत्म हो गया? तो क्या सुसाइड किया था? अजय लगा के मरा था। अजय लगाने का वजह तो कुछ होगा, या डिप्रेशन में होगा या टेंशन में होगा। अब की ले बोले हम दोनों जीवों को लोगों का नहीं की जान बताते तब जान जान। क्या नाम है उसका? अजय कुमार गुड़िया दूर। भागलपुर के जयप्रकाश उद्यान में शनिवार को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भागलपुर प्रमंडल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वृक्षारोपण कर की गई। इस दौरान बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जहां पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को भागलपुर वन विभाग के अधिकारी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को लेकर भागलपुर वन अधिकारी भरत चिंतापल्ली ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बाघ दिवस पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच बाघ के प्रति जागरूकता बढ़ाना, इसके बारे में जानना और इसे संरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि बाघ एक लुप्तप्राय प्रजाति है और इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से पेड़ लगाने और पर्यावरण को बचाने की अपील की। इस मौके पर छात्र, शिक्षक और वन विभाग के अधिकारियों के अलावा काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जैसे कि सभी को पता है, आज 29 जुलाई ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, तो भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन भागलपुर में जयप्रकाश उद्यान में ये दिवस मना रहा है। सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे रिटायर्ड प्रोफेसर एसपी राय जी हैं,
जयप्रकाश उद्यान के सदस्य हैं, कार्यपालक अध्यक्ष हैं, वॉकिंग क्लब के मेंबर्स हैं, मीडिया मित्र हैं और हमारे साथ अनेक बच्चे भी आज जुड़े हैं अनेक स्कूल्स से। तो कल हमने एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन आयोजित किया था और आज एक क्विज कॉम्पिटिशन का भी प्रोग्राम होने वाला है। इससे पहले आपने भी देखा होगा हमने टाइगर के रिलेटेड काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज बच्चों को और यहाँ पे जो भी ऑडियंस आए थे सभी को हमने दर्शाया था डॉक्यूमेंट्रीज। प्रयास यही है कि टाइगर के बारे में हम लोगों तक जागरूकता पहुँचाएँ, क्योंकि टाइगर ग्लोबल टाइगर डे मनाने का एक मुख्य उद्देश्य है कि हम टाइगर के बारे में बस सोचें ही ना, पर उसके बारे में अवेयरनेस भी बढ़ाएं कि हम कैसे टाइगर को कंजर्व कर सकते हैं। कई वर्षों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी एवं बालू माफिया रविंद्र सिंह के भागलपुर और बांका के सीमावर्ती क्षेत्र में मौजूद होने एवं किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में होने की गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए भागलपुर SSP आनंद कुमार के निर्देश पर टीम गठित कर DSP विधि व्यवस्था के नेतृत्व में छापेमारी के लिए भेजा गया। वहीं इसके बाद पुलिस टीम भागलपुर और बांका के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंची, जहां छापेमारी दल द्वारा रविंद्र सिंह को बगीचे के बांध से खदेड़कर अवैध देसी कट्टा और हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान रविंद्र सिंह के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कुख्यात अपराधी रविंद्र सिंह का आपराधिक इतिहास है, जो कई वर्षों से फरार चल रहा था, जिसे आज गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी सफलता अर्जित की गई है और एक मोस्ट वांटेड रविंदर मंडल उर्फ रविंदर सिंह, जो कि रुपौली गांव का रहने वाला है, जगदीशपुर थाना अंतर्गत, और ये पिछले 7-8 सालों से पकड़ा नहीं गया था और 7-8 सालों से फरार था, और इसके ऊपर 3 हत्या के और 2 डकैती के और 2 रंगदारी के जो कांड दर्ज है, जो हम लोग को अभी तक इसका क्रिमिनल हिस्ट्री मिला है। इसके साथ ही साथ पुलिस पर हमला एवं बालू का भी कांड इस पर दर्ज है, और इन 7 कांडों में 2 कांड बांका जिला में दर्ज हैं और 5 कांड भागलपुर जिला में दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी कल दोपहर को SDPO लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में एक टीम थी, जिसमें SHO जगदीशपुर अमित और SHO बाईपास TOP ओम प्रकाश, सब इंस्पेक्टर संजय और सब इंस्पेक्टर परमानंद, सब इंस्पेक्टर सूरज सिंह, बजरा बी टीम प्रभारी और बजरा बी की पूरी टीम इसमें लगी हुई थी, और उन्होंने रुपौली के पास ही एक बगीचा है वहीं से इसकी गिरफ्तारी हुई और इसके पास से एक देसी कट्टा और साथ में 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। भागलपुर में मुहर्रम त्यौहार को लेकर शुक्रवार की देर रात SSP आनंद कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में सिटी DSP और लाइन DSP सहित करीब 1 दर्जन थाना अध्यक्ष और सर्किल इंस्पेक्टर शामिल थे। सबसे पहले फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकलकर इसाक चक होते हुए स्टेशन चौक पहुंची। इसके बाद शहर के कोतवाली चौक, सराय, किला घाट, साहबगंज, नाथनगर, ललमटिया होते हुए साजंगी पहुंची, जहां SSP ने अखाड़ा जुलूस में शामिल लोगों से शांति और सद्भाव के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। इस दौरान SSP ने पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद फ्लैग मार्च वापस पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न हुई। SSP ने कहा कि फ्लैग मार्च में CIAT जवान, दंगा नियंत्रण बल और मुख्यालय से भेजे गए पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जुलूस के दौरान अशांति फैलाने वाले लोगों और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है, गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात SSP ने कही। उन्होंने कहा कि त्यौहार के दौरान कोई खलल ना हो, उसको देखते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया है। हम पूरा पूरी भागलपुर पुलिस और हम लोग को मुख्यालय से CRPF की भी एक कंपनी मिली है, कंपनी कमांडर साहब भी यहाँ पे उपस्थित है, और हमारी जो गंगा की टीम है और जो CIT की टीम है, सभी लोग पुलिस लाइन में उपस्थित हैं। अभी सबकी ब्रीफिंग की गई है कि अगले 24-26-28 घंटे तक लगातार ये जुलूस निकलेगा, लेकिन समय पर उसको कैसे हैंडल करना है और इस पूरे त्यौहार को बिना किसी इंसिडेंट के संपन्न कैसे कराना है, और हम लोग भागलपुर पुलिस के द्वारा ड्रोन के माध्यम से भी उसके जुलूस के जो रूट्स हैं उसकी और रूट्स पे पड़ने वाले जितने मकान हैं उनके छतों की भी निगरानी लगातार रखी जा रही है।
भागलपुर के सुल्तानगंज में शनिवार को जदयू विधायक के आवास पर स्थानीय जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने की। बैठक के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ महागठबंधन प्रत्याशी की जीत को लेकर चर्चा की। साथ ही विधायक ने कई नए लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हुए उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। विधायक ललित नारायण मंडल ने कहा कि वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में जदयू पूरी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए जदयू और महागठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करेगी, जिससे केंद्र की सत्ता से भाजपा और मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाए। जवाहरलाल जी हमारे शुरू से बहुत प्रिय रहे हैं, हमारे छात्र भी हैं। इन्होंने कहा कि सर हम जनता दल आज तक किसी कार्यकर्ता पार्टी में हम सदस्य नहीं हैं, लेकिन अब हम जनता दल के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा उनको जिताने का हम जीतों कोशिश करेंगे। तो हमको सुनकर अच्छा लगा और हमारे प्रखंड अध्यक्ष सदानंद सिंह, हमारे नगर अध्यक्ष संजय जी, पूर्व डीसी जो है नगर परिषद के मनीष जी, और सब मिल करके हमने तय किया कि इनको हम ज्वाइन करावें और महागठबंधन की मजबूती के लिए इनको भाग दें। भागलपुर सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल को बिहार सरकार की ओर से बिहार राज्य सांस्कृतिक बोर्ड निगम का सदस्य बनाए जाने को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं ने विधायक को शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। विधायक ललित नारायण मंडल को सदानंद कुमार, संजय कुमार मंडल, मनीष कुमार, जवाहरलाल मंडल, डॉक्टर अजय कुमार, संजय मंडल समेत कई कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। सुल्तानगंज के माननीय विधायक प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल जी को बिहार सांस्कृतिक बोर्ड निगम का सम्मानित सदस्य बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम माननीय विधायक महोदय से अपेक्षा करेंगे कि बिहार संस्कृत बोर्ड अभी जो संस्कृत का जो दयनीय स्थिति है उसको आगे बढ़ाने में अपना सराहनीय ठोस कदम उठाएंगे।